स्पोर्ट्स इंजरी बेसिकली एक ब्रॉड टॉपिक है ऑर्थोपेडिक्स में, जो कोई भी स्पोर्ट्स करने से, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग, हॉकी, किसी से भी अपने जोड़ों में या लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है। उसमें सबसे कॉमन तो है एंकल स्प्रेन, जो भागते हुए या कुछ खेलते हुए एंकल मुड़ जाए। दूसरा, उसमें सीवियर इंजरीज हो सकती हैं, जैसे लिगामेंट इंजरीज, या कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है। हमने कई बार टीवी पे देखा है फुटबॉल खेलते हुए लोगों के लात की हड्डी का, टीबिया का भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो इन स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है किस टाइप की इंजरी है। अगर तो सिंपल लिगामेंट मसल इंजरी है, जो स्प्रेन है ग्रेड 1 या 2, उसमें हम बिना ऑपरेशन के उसका इलाज कर सकते हैं। उसमें मेन है थोड़े दिन का रेस्ट, आइस करना उस पेशेंट, उस जॉइंट को इमोबिलाइज करना, और पेशेंट को भी कहना कि एक्टिविटी कम करनी है और कुछ दर्द की दवाइयां या एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है। हम एज ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत से ऐसी इंजरीज भी देखते हैं जिसमें लिगामेंट बिल्कुल टॉर्न हो जाता है या टूट जाता है, तो घुटना या एंकल अनस्टेबल हो जाता है। उसमें मरीज को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो अपना भाग नहीं सकता, तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो उसका करियर ख़त्म हो जाता है। बट आजकल उसके लिए भी हमारी सर्जरीज हैं, और पेशेंट 4 से 6 महीने बाद सर्जरी करा के अपना स्पोर्ट्स में जा सकता है प्रोफेशनल। उसमें मेन इंजरी होती है ये घुटने की झिल्ली फटना या ये क्रूशिएट लिगामेंट टूटना। क्रूशिएट लिगामेंट को आजकल हम दूरबीन से या आर्थ्रोस्कोपी से बनाते हैं, और उसमें उनकी रिहेबिलिटेशन फास्ट हो जाती है। सर्जरी के 2 से 3 दिन बाद ही हम उनकी एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं, और 4 से 6 महीने पे वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर सकते हैं।